ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नेशनल हेराल्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा हेराल्ड हाउस में यंग इंडिया के ऑफिस को सील किए जाने के बाद से देश की सियासत गर्माई हुई है। यही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय की टीम एक बार फिर हेराल्ड हाउस छानबीन के लिए पहुँच गयी है। इसके साथ ही ईडी ने राज्यसभा सांसद मल्लिका अर्जुन खड़गे को संसद की कार्रवाई के बीच समन भेज हेराल्ड हाउस बुलाया है। फिलहाल कांग्रेस नेता की मौजूदगी में ईडी के अधिकारी तलाशी ले रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि ईडी को बस इस केस के हवाला के लेन देन से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। ये लेन देन मुंबई और कोलकाता के जरिए हुए थे। वहीं इसे लेकर प्रदेश की सियासत चरम पर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वायनाड सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से नहीं डरता, मैं हमेशा देश हित में काम करता हूं, जिसे जो करना है कर ले। वहीं राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि देश का कानून सबके लिए एक है, वह न कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बदल सकता है और न ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के लिए। आपको बता दे, नेशनल हेराल्ड केस में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से करीब 61 घंटे की पूछताछ कर चुका है। इसी कड़ी में ईडी गुरुवार को एक बार फिर हेराल्ड हाउस पहुंच गई। इस बार प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को समन भेज हेराल्ड हाउस बुलाया है। फिलहाल ईडी खड़गे की मौजूदगी में दस्तावेजों की छानबीन में जुटी है। सूत्रों का कहना है कि ईडी के हाथ में कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि इस मामले में पैसे का लेन देन हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी को मुंबई और कोलकाता से हवाले के लेन देन के दस्तावेज हाथ लगे हैं। इससे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता एवं इस केस को उजागर करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी कह चुके हैं कि हेराल्ड हाउस के चौथे फ्लोर पर सबूतों की भरमार है। इसी कड़ी में कल भी ये संकेत मिल रहे थे कि ईडी एआईसीसी दफ्तर या सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवास पर छापेमारी कर सकता है। वहीं बुधवार शाम पुलिस ने एआईसीसी दफ्तर और सोनिया राहुल के आवास को छावनी में तब्दील कर दिया था। हालांकि देर रात पुलिस बल को हटा लिया गया था। वहीं इसे लेकर देश में सियासत चरम पर है। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का रौद्र रूप देखने को मिला। राहुल गांधी ने कहा कि आप नेशनल हेल्प की बात कर रहे हैं जी सर, देखिए ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर रहे। कौन बात कर रहा है, बाद में वो बात कर रहे हैं, देखिए सुनिए बात जी। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात। कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बहुत बोलने दीजिए जी। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा जी। ये कुछ भी कर लें, करने राहुल ईडी कह रही है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि याचना नहीं रण होगा। पहले कहते थे कि सत्याग्रह होगा और अब रण की बात कर रहे हैं। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? देश के कानून से इन्हें रण करने की क्या जरूरत है? अगर गलत हो रहा है तो फिर कांग्रेस इस मामले में अब तक अदालत क्यों नहीं गई है? इसलिए नहीं गई क्योंकि वे जानते हैं कि अदालत कहेगी कि सब नियम के मुताबिक चल रहा है। मैं राहुल गांधी से पूछता हूं कि यदि आप इतने पाक साफ थे तो फिर 2010 में आपने क्यों नहीं बताया कि आप यंग इंडिया के डायरेक्टर हैं? हम तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों से न रन होगा और न रन होगा। अंग्रेजी में रन का अर्थ भागना होता है और हम इस मामले पर कांग्रेस को भागने नहीं देंगे। संबित पात्रा ने कहा कि देश का कानून तो सबके लिए समान है, लेकिन कांग्रेस एक परिवार को इसके ऊपर मानती है। परिवार को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस सड़क पर उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस कानून से भाग नहीं सकती। यह कैसी कांग्रेस है जो भ्रष्टाचार भी करना चाहती है और रण भी कर रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से
आतंकियों जैसा बर्ताव करने के आरोपों पर भी संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के साथ आतंकियों जैसा नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।